Dear guys, namaskar to all of you. This is Santlal Singh and welcome to the English Education Era. Today we are going to discuss the answer key of Central Teacher Eligibility Test Paper 1 Language 2 English. This examination was conducted on 8th December 2019 by Central Board of Secondary Education. So this answer key is for those candidate who have opted English as their second language. Okay guys, so let's start our today's video. ठीक है, जिन्होंने द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी को चुना है उनके लिए ही ये आंसर की है, तो वो इस वीडियो को गो थ्रू करेंगे और रिमेनिंग पार्ट की और आंसर की इस चैनल के माध्यम से पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं शेयर करना नहीं भूलेंगे. तो चलिए लेट्स रीड द इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन. फर्स्ट, कैंडिडेट शुड अटेम्प्ट क्वेश्चन फ्रॉम पार्ट 5 फ्रॉम 121 to 150 इफ दे हैव ऑप्टेड, आई टोल्ड यू ऑलरेडी, इंग्लिश एज लैंग्वेज सेकेंड, भाषा द्वितीय के रूप में यदि आपने अंग्रेजी चुना हो तभी इस पार्ट को आप देखेंगे और इस आंसर की से मैच करेंगे, अन्यथा नहीं. तो देखिए यहाँ पे डायरेक्शन दे रखा है, रीड द पैसेज गिवन बिलो, यानी एक पैसेज दिया हुआ है और इस अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैसेज यू विल हैव टू क्वेश्चन द आंसर्स फ्रॉम 121 to 128, यानी 121 से 128 तक के प्रश्नों का उत्तर आपको अकॉर्डिंग टू दिस पैसेज देना है. तो पैसेज आप सभी ने पढ़ा भी होगा और पैसेज पढ़ने के पश्चात जो है चलिए हम इसके आंसर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं. चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 121 है, व्हिच वर्ड इज मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ड एंडेवर्स एज यूज्ड इन द पैसेज. पैरा वन में एंडेवर्स नाम का शब्द जो है यूज किया गया है, तो व्हिच वर्ड इज मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग, यानी कौन मीनिंग में सबसे ज़्यादा इसके नज़दीक है. तो यहाँ पे देखिए एंडेवर्स मीन्स ऑलरेडी टू अटेम्प्ट होता है, तो यहाँ अटेम्प्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. ओके गाइस, चलिए क्वेश्चन नंबर 122 देखेंगे, एंड दिस इज व्हिच वर्ड इज द मोस्ट अपोजिट, यहाँ पे विलोम देखिए पूछा हुआ है, इन द मीनिंग टू द वर्ड सन. ठीक है, सन का अपोजिट पूछा हुआ है, पैरा दो में ये शब्द दिया हुआ है वर्ड जो है. तो देखिए अकॉर्डिंग टू गूगल इफ यू सर्च द मीनिंग ऑफ सन तो यू विल फाइंड आउट वेलकम, ओके, एंड द अपोजिट ऑफ दिस, ओके, बट अकॉर्डिंग टू पैसेज, ठीक, पैसेज के अकॉर्डिंग अगर बात आप करते हैं तो योर आंसर विल बी प्रीफर ऑप्शन नंबर 3. ठीक है गाइज, चलिए क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ बढ़ेंगे, एंड दिस इज व्हिच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेंस एंड एरर, निम्नलिखित वाक्य में किस पार्ट में त्रुटि है, किस भाग में. तो यहाँ पे आप देखेंगे तो देयर इज नो डाउट दैट हार्ड वर्क पेप्स द वे टू सक्सेस, तो टू सक्सेस में यहाँ पे एरर मिलेगी आपको. टू सक्सेस वाला ऑप्शन जो है डी किस में है देखेंगे, तो यहाँ पे डी जो है डी में एरर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा इसमें. लेट्स टेक अ न्यू वन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 124, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. देखिए इस पे ध्यान देना है आपको, नॉट इन्होंने लगा रखा है, यानी कौन सा सेंटेंस जो है ट्रू नहीं है. तो अकॉर्डिंग टू पैसेज जब आप पूरी तरह से पढ़ते हैं तो इसमें आपको सेंटेंस मिलता है कि फ्रीडम इज नॉट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन लाइफ, जबकि ये फ्रीडम इंपॉर्टेंट फैक्टर है लाइफ का. तो यही वाक्य जो है यहाँ पर मतलब गलत है यहाँ पे. ठीक है, नॉट ट्रू, ये स्टेटमेंट ऐसा है जबकि इन्होंने कहा है कि नहीं है. ठीक, तो यह वाक्य यहाँ पे गलत है 124 में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा. चलिए आगे प्रश्न हम देखेंगे, और दिस इज 125, व्हिच मेथड डू अथॉरिटीज नॉट यूज टू सप्रेस पीपल फाइटिंग फॉर फ्रीडम. ओके, तो कौन सा मेथड जो अथॉरिटीज होते हैं वो यूज नहीं करते. अकॉर्डिंग टू पैसेज जो पर्सुएशन है, दिस मेथड इज not used by the authorities to suppress people's fighting for freedom. Okay guys, let's take a new one, this is 126, reaction against established religion, yani sthapit dharm ke विरुद्ध में जो रिएक्शन होते हैं प्रॉम्प्ट्स पीपल नॉट टू, तो ये क्या करते हैं पीपल को करने के लिए. ओके, तो देखिए टू स्टार्ट अ न्यू रिलेशन. ओके, तो ये ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा इस क्वेश्चन में 126 में. ओके गाइस, लेट्स टेक अ न्यू वन, दिस इज 127, एंड द क्वेश्चन इज रियल फ्रीडम अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज, देखिए लेखक के अनुसार जो वास्तविक स्वतंत्रता है दैट इज इनर फ्रीडम, यानी आंतरिक स्वतंत्रता को ही वास्तविक स्वतंत्रता यहाँ लेखक ने माना है इस गद्यांश के अंतर्गत, यानी
पैसेज में, और रियली वैसा होता भी है। क्वेश्चन नंबर 128 देखिए, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। देखिए सेंटेंस नंबर ए इज इंडिविजुअल फ्रीडम डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल इन कैपिटलिस्ट कंट्रीज। ठीक है, तो ये देखिए, तो ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल फ्रीडम डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल, जबकि कैपिटलिस्ट कंट्रीज में ऐसा कि पैसेज में ऐसा कहा गया है कैपिटलिस्ट कंट्रीज में टू सम एक्सटेंट इंडिविजुअल फ्रीडम है, जबकि इन्होंने कहा कि डजंट एग्जिस्ट एट ऑल, तो ये तो गलत हो गया। ये देखिए, बी देखिए, पीपल डू नॉट हैव इंडिविजुअल फ्रीडम इन कम्युनिस्ट कंट्रीज। ठीक है, तो देखिए कम्युनिस्ट कंट्री में तो पीपल के जो लोग हैं पीपल उनके पास जो है इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं है, तो यानी ये सही हो जाएगा और सॉरी ये गलत हो जाएगा, जबकि है ऐसा जो है वो बी जो है आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ओके गाइस, पैसेज को ध्यान से पढ़िएगा, इसमें सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। चलिए 128 की तरफ जब हम पढ़ेंगे तो 128 में आने के लिए यहाँ पे आपके पास एक पैसेज दिया हुआ है। ठीक है, और इसी पैसेज के आधार पर जो है सॉरी 129 की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर 129 से 135 यानी 129 से 135 के प्रश्नों को हल करना है। पैसेज कुछ इस प्रकार है, वाटर इज द कोर ऑफ लाइफ हेंस वाटर मस्ट बी सेंट्रल टू आवर स्पिरिचुअल थिंकिंग डॉट डॉट डॉट, तो इस तरह से आपका पैसेज है एंड वी शुड स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 129। द पैसेज इज स्टिल ओके, हियर द पैसेज एंड्स। ओके चलिए लेट्स स्टार्ट। देखिए 129 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ड बाउंटी। बाउंटी नामक शब्द के सबसे नज़दीक मीनिंग में कौन है? तो देखिए बाउंटी नामक शब्द के सबसे नज़दीक मीनिंग में वैसे तो इफ़ यू सर्च ऑन गूगल सो यू विल फाइंड आउट अबंडेंस, बट दिस इज नॉट, यू विल हैव टू आंसर अकॉर्डिंग टू पैसेज। तो पैसेज यानी गद्यांशानुसार अगर आप उत्तर देना चाहेंगे तो हियर द आंसर विल बी जनक सिटी। ओके वेरी सिंपल क्वेश्चन। एंड क्वेश्चन नंबर 130, विच वर्ड इज अपोजिट इन द मीनिंग टू द वर्ड बेनोलेंट। बेनोलेंट के अपोजिट कौन सा है? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, दिस विल बी मैलवोलेंट। ओके मैलवोलेंट ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ओके क्वेश्चन नंबर 131, विच पार्ट ऑफ द स्पीच इज द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, तो जो अंडरलाइंड वर्ड यानी पेरेनियल है ये कौन सा मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच है? दिस इज एडजेक्टिव, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए 132 की तरफ प्रोसीड करेंगे। दिस इज 132 एंड द क्वेश्चन इज सॉरी Yes, like this. The question is in the context of the passage, which of the following is not true? यहाँ पे ध्यान देना, isn't true कहा गया, यानी कौन सा सत्य नहीं है? तो देखिए, it is considered holy by most of religions, यानी जो हिमालय है अत्यधिक धर्मों के द्वारा इसे पवित्र माना जाता है। जी माना जाता है, सही है। It's the core of life. देखिए इस ये जो question मतलब ऑप्शन है यही क्वेश्चन जो है सही नहीं है। देखिए वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, ये भी सही है जो है, और इट्स अ लाइफ लाइन फॉर आवर फार्मर्स, किसानों के लिए जीवन रेखा एक तरह से जो हिमालय है। तो देखिए इसमें जो सेंटेंस सही नहीं है वो ऑप्शन नंबर 2, इट इज द कोर ऑफ लाइफ, ये ऑप्शन सही नहीं है इसमें, यानी ये सेंटेंस सही नहीं है। चलिए ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही होगा आपका क्वेश्चन नंबर 132 में। क्वेश्चन नंबर 133 की तक बढ़ेंगे तो देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन मेंशनड इन द पैसेज। पैसेज में किसको मेंशन नहीं किया गया है, किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो देखिए इसमें सीधी सी बात है, सिंपल, यहाँ पे देखिए जैसे ही आप पैसेज पढ़ते हैं, द हिमालयाज फॉर्म द बैक बोन ऑफ आवर टूरिज्म इंडस्ट्री। ओके फॉर्म नहीं फार्म हो जाएगा, सॉरी, द हिमालयाज फॉर्म द बैकबोन ऑफ हमारी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, यानी यात्रा वाला जो उद्योग है टूरिज्म का जो है, ये हिमालय ऐसा जो है उसको फॉर्म नहीं करता है। हिमालय तो लोग वैसे बहुत ज़्यादा घूमने नहीं जाते हैं, इसलिए जो है ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। पैसेज में भी ऐसा उल्लेख किया गया है, तो चलिए टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए हिमालय नहीं है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 134 की तरफ बढ़ेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, निम्न से कौन सा गलत है? तो देखिए दे ब्रिंग प्रॉस्पेरिटी टू लार्ज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, हाँ ऐसा भी सही है। दे हैव सम ऑफ द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर्स, ये भी सही है, हिमालय के पास है ऐसा बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं कुछ जो है, द हिमालयन माउंटेन्स फसाइल रिसोर्स, ये भी सही है, लेकिन क्लाइमेट चेंज हैज़ अ लिटिल इफेक्ट ऑन द हिमालयस, जलवायु परिवर्तन का जो है इस पे हिमालय पे प्रभाव पड़ा है, तो ऐसा पैसेज में उल्लेख नहीं है। वैसे भले गेली पड़ा है वो अलग चीज़ है, पैसेज में उल्लेख नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 134 में। एंड क्वेश्चन नंबर 135 की तरफ हम प्रोसीड करेंगे, तो देखिए व्हाट इज द
सॉरी व्हाट इज नॉट सो स्पेशल अबाउट द हिमालयस इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड में जो है क्या स्पेशल नहीं, तो ह्यूज मिनरल डिपॉजिट्स जो है, ये ऑप्शन जो है आपका ठीक है, आपका हिमालय के बारे में सो स्पेशल नहीं है 125 में, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। जैसे ही आप पैसेज पढ़ते हैं यू विल फाइंड आउट द आंसर। चलिए 136 को देखेंगे, एंड दिस इज द मल्टीलिंगुअल नेचर ऑफ द इंडियन क्लासरूम मस्ट बी बेस्ट एज अ रिसोर्स, ठीक है, सो दैट ताकि क्या हो सके, एवरी चाइल्ड लर्न्स एट द सेम पेस, ऑप्शन नंबर 4 अकॉर्डिंग टू मी इज करेक्ट। ओके गाइस, चलिए देखिए 137 देखेंगे, एंड इंग्लिश टेक्स्ट बुक फॉर क्लास फर्स्ट, क्लास फर्स्ट यहाँ पे बता भी दिया गया है। देखिए विथ पिक्चर्स विथ पिक्चर्स पोएम एंड स्टोरीज एंड एंड विद अल्फाबेट इन द एंड, विच अप्रोचेस डज दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट रिफ्लेक्ट इन द लैंग्वेज पेडागोगी। तो देखिए ये कौन सा अप्रोच यहाँ पे होगा, तो टॉप टू डाउन हो गया, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम अप्रोच या जो है इस तरह से। तो देखिए अकॉर्डिंग टू मी हियर द आंसर शुड बी टॉप टू डाउन अप्रोच, टॉप टू डाउन अप्रोच। ओके गाइस, चलिए क्वेश्चन नंबर 138 की तरफ बढ़ेंगे। तो व्हाइल चेकिंग द नोटबुक्स द टीचर ऑब्जर्व्ड दैट अ चाइल्ड हैज रिपीटेडली मेड सम एरर्स इन राइटिंग सच एज रिवर्स इमेज, जैसे बी को डी लिख दिया उसने, एम को डब्ल्यू, इस तरह से उल्टा, तो यहाँ पे क्या होगा, यानी लेखन में उसके त्रुटि आ रही है, ठीक है, वो लिख रहा है जो है चेक करते समय जो है, तो एक लिखने में उसके त्रुटि आ गई, तो इसमें देखिए लर्निंग डिसेबिलिटीज होगी, यानी कि अधिगम क्षमता या अधिगम अशक्तता, ठीक है, इसको कहेंगे आपको, ठीक। चलिए देखिए यहाँ पे जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक, और दिस विल बी क्वेश्चन नंबर 139, देखते हैं 139 क्या है। 139 है देखिए, अ टीचर इज टेलिंग अ स्टोरी विद एक्शन एंड जेस्चर्स टू क्लास थर्ड में जो है पूरे हाव भाव के साथ एक शिक्षक जो है कहानी कहता है। आफ्टर दिस सी, यानी कहती है शिक्षिका है, सी आस्क देम टू ड्रा अ पिक्चर ऑन द स्टोरी इन ग्रुप्स, ठीक है, व्हाई डू यू थिंक सी आस्क देम टू ड्रा द पिक्चर्स ऑन द स्टोरी, क्यों, क्योंकि वो चाहती है क्या कि जो स्टोरी हमने बताई है जो है उसको उन्होंने कंसीडर किया कि नहीं, सी वांटेड टू एसेस देयर कम्प्रिहेंशन ऑफ द स्टोरी, यानी कि कहानी की समझ को वह परीक्षण करना चाहती है, बच्चों ने कितनी कहानी समझी है। क्वेश्चन नंबर 140 देखिए, एक्टिव, सॉरी इसको थोड़ा सा नीचे कहेंगे, एक्टिव वोकैबुलरी कंसिस्ट ऑफ द वर्ड्स फीचर, देखिए एक्टिव वोकैबुलरी की बात हुई है तो ऑलरेडी यूज्ड फ्रीक्वेंटली, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसमें, यू ऑल हैव स्टडीड आई थिंक। चलिए 141 लेंगे, द मेजर एम ऑफ टीचिंग पोएट्रीज, देखिए टीचिंग पोएट्रीज जो पढ़ाई जाती है उसका मेजर एम यही है, एंड दैट इज एंजॉयमेंट एंड अप्रिसिएशन। ओके गाइस, चलिए क्वेश्चन नंबर 143 की तरफ, सॉरी 42 की तरफ प्रोसीड करेंगे, एंड दिस इज मॉर्फिन इज द, तो मॉर्फिन क्या है, मॉर्फिन देखिए इसमें गलत निशान लगा हुआ है, तो मॉर्फिन इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मीनिंग दैट कैन नॉट बी ब्रोकन अप, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। एंड लेट्स टेक न्यू वन, दिस इज क्वेश्चन नंबर 143, एंड द क्वेश्चन इज अ टीचर ऑफ क्लास सेकेंड, ऑलरेडी इसमें बता दिया गया, यूजेस लर्नर्स नॉलेज एंड लैंग्वेज टू बिल्ड ब्रिज बिटवीन हिज मदर टंग एंड इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है, हेंस लर्नर्स लैंग्वेज इज यूज इन टीचिंग एज, यानी कि जो अधिगम करता है उनकी जो भाषा है टीचिंग में किस हिसाब से यूज की जाती है, तो वो एक रिसोर्स यानी स्रोत के रूप में यूज की जाएगी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 144 लेंगे, बस 4-6 क्वेश्चन बचे हुए हैं, जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है जो है बी आई सी एस स्टैंड्स फॉर, सो द फुल फॉर्म ऑफ बी आई सी एस विल बी बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल, ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ओके, लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 145, अ टीचर वांट्स टू क्रिएट अ लैंग्वेज रिच एनवायरनमेंट इन हर क्लास, ठीक है, चलिए ठीक है, यानी भाषा संपन्नता वाले परिवेश को अपने क्लास में वो जो है प्रोड्यूस करना चाहती है, बनाना चाहती है, सी शुड, उसे क्या करना चाहिए, सो सी शुड प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी वेयर द लैंग्वेज इज सीन नोटिस्ड, जहाँ लैंग्वेज देखी जाए नोटिस की जाए एंड यूज्ड बाय चिल्ड्रेन, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 145। And this is question number 146, literature for children is considered as a or an, तो जो बाल साहित्य होता है उसे समझा जाता है, तो inspirational source of reading उसको समझा जाता है, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 147 की तरफ बढ़ेंगे। देखिए और पेडागॉजी के जो क्वेश्चन हैं बहुत ही इजी आए हुए हैं इस बार, जो है आप सभी ने नोटिस भी किया होगा और मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम आप लोगों के सही भी होंगे। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर फ्रॉम सॉरी फॉर चिल्ड्रेन। तो देखिए इसमें थिसारस जो है ऑप्शन नंबर 4 यही नहीं होगा, ठीक है, बाकी सबके क्वेश्चन सही भी होगा होगा ये क्वेश्चन जो है मुझे उम्मीद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 148 को लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट प्रिंट यूज एनवायरनमेंट। यहाँ पे आपको नोटिस करना है कि इज नॉट करेक्ट, अंडरलाइन भी है यहाँ पे, एंड अबाउट किसके, प्रिंट यूज एनवायरनमेंट। देखिए इसमें जो नहीं सही है वो ये है कि वंस द मटेरियल इज पेस्टेड ऑन द वॉल्स इट शुड नॉट बी रिमूव्ड फॉर द होल सेशन, ऐसा नहीं है, यानी कि ये जो है वाक्य गलत है। चलिए वी आर टेकिंग 149 एंड दिस इज अ टीचर गिव्स अ टास्क ऑफ डायलॉग कंप्लीशन टू क्लास फिफ्थ स्टूडेंट, कक्षा पाँच के बच्चों को देता है। देखिए द गोल ऑफ दिस टास्क इन लैंग्वेज लर्निंग विल बी, तो लैंग्वेज लर्निंग में इसका जो गोल होगा ये टास्क का, दैट विल बी टू फैसिलिटेट कन्वर्सेशन बाय गिविंग स्पेसिफिक लैंग्वेज प्रैक्टिस यूजिंग फॉर्मूलेक एक्सप्रेशन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 149 में। एंड वी आर टेकिंग द लास्ट वन, दिस इज 150 यूजिंग रिलिया सॉरी रीडिंग रिलिया इन द लैंग्वेज क्लास मीन्स ब्रिंगिंग, जो देखिए रियलिया है इसको लैंग्वेज क्लास में यूज करने का मतलब है क्या लाना, रियल ऑब्जेक्ट्स एज टीचिंग एड्स। ये आप सभी के सही होंगे, आप सभी ने किया भी होगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो हियर योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4, रियल ऑब्जेक्ट्स एज टीचिंग एड्स। सो गाइज फॉर टुडे दिस मच इज सफिशियंट, वी शैल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो वेरी सून to find out the authentic answer key of CTET, you can subscribe to the English Education Era and please don't forget to like and share this video with your friends. Thank you so much for watching this video. Jai Hind, Jai Bharat. Have a great time.